दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुँचे। गोरखपुर पहुंचने के बाद आगामी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री के दौरे के लिए फर्टिलाइजर परिसर में बन रहे कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। प्रधानमंत्री 24 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के किसान सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री कार्यक्रम की तैयारियों से संतुष्ट भी दिखे। नीचे कर ले भैया, इतना ऊपर आईडी नीचे करो, पहले आईडी नीचे करो, दबाओ महाराज जी। आज चीनी मिल का यहाँ का भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन 23 और 24 फरवरी को गोरखपुर में होने जा रहा है। अधिवेशन का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी ने 2016 में गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना की आधारशिला रखी थी। 26 वर्ष के बाद गोरखपुर के बंद पड़े कारखाने के पुनरुद्धार की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी और आज उस कारखाने के निर्माण के लिए दस्तर पर कार्य चल रहा है। गोरखपुर के एम्स की नींव भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रांगण में रखी थी और एम्स का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। किसान मोर्चा की रैली कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी। खासतौर पर विगत 4.5 वर्ष के दौरान किसानों के लिए खेती खिलान के लिए जिस प्रकार की घोषणाएं और जिस प्रकार के कार्यक्रम लागू हुए हैं, उन सब के साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ भी इसी स्थल से प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगा और भी अनेक कार्यक्रमों के साथ यह किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, पूर्वांचल के स्वास्थ्य के लिए और अन्य तमाम योजनाओं की दृष्टि से, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से भी प्रधानमंत्री जी का गोरखपुर में आगमन पूर्वांचल वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को एक नई ऊर्जा और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इन्हीं सब कार्यों का आज निरीक्षण करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। पूरी तैयारियाँ युद्ध स्तर पर चल रही हैं, पूरी टीम लगी हुई है और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन सफलतम अधिवेशन के साथ ही